मेरा सवाल ये था कि मैंने सुना है कि जो नमाज पढ़ने से वो जो सर में एक निशान पड़ जाता है ब्लैक कलर का, तो उसे कब्र में लाइट रोशनी आती है, तो क्या ये सही है? देखिए, जो आजाए वजू हैं उन आजाए वजू को अल्लाह रब्बुल आलमीन आखरत में नूर अता फरमाएगा। इसी तरह से वो आजा जिन पर आप सजदे करते हैं, इबादत करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन आजा को नूर अता फरमाएगा। कब्र के सिलसिले में मुझे किसी रिवायत का इल्म नहीं है, वल्लाहु आलम। अलबत्ता आजाए वजू के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन, इसीलिए अल-गुर्रुल मुहज्जलीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को कहा कि जो हमारी उम्मत के लोग वजू करते हैं, जिन आजा को धुलते हैं, वो आजा चमकेंगे और ये उनकी पहचान होगी कि ये नमाजी हैं, वजू करने वाले हैं, और इनके आजा में अल्लाह रब्बुल आलमीन चमक अता फरमाई है। कब्र के सिलसिले में मुझे किसी रिवायत का इल्म नहीं है अल्लाह। और खुसूसन शेख, ये असल में कैसा होता है ना, मतलब बाज़ लोगों को यहाँ पर निशान बैठ जाता है, जी वो एक तरह का, तो उसके लिए लोगों ने मशहूर कर दिया। मैंने तो बाज़ लोगों को देखा है कि ज़ोर ज़ोर से सजदे करते ताकि निशान बन जाए सर के ऊपर, नहीं, कि वो जो बिल्कुल है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप सजदे करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को, तो चाहे वो निशान आपको पड़े या ना पड़े, इंशाल्लाह वो फजीलत आपको जी मिलेगी। निशान पड़ना जरूरी नहीं है, किसी को पड़ जाता है, किसी को नहीं पड़ता है।